फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर लिविंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ विद माइंड ब्लोइंग थिंकिंग्स। जाहिर है कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग इसलिए इस वीडियो को ओपन किया है ताकि आपको सेवा योजन पंजीकरण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से सेवा योजन में अपना पंजीकरण कराने से हमें इसमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें नौकरियों के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सेवा योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देंगे। इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे जिससे कि हमें सेवा योजना पंजीयन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सेवा योजन पोर्टल की वेबसाइट खोले हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उस प्रश्न के बारे में जो आपके मन में उठ रहा है कि आखिर सेवा योजन में अपना पंजीकरण कराने से इसके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, इसमें क्या लाभ होते हैं और इसमें किसी भी जॉब्स के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। यह है पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे पूरे वीडियो के साथ और इसे देखते रहें फ्रेंड्स। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आजकल सभी के पास एंड्रॉइड फ़ोन हो चुका है जो कंप्यूटर का ही लगभग काम करता है। इसमें आप कंप्यूटर के सारे काम कर सकते हैं। तो हम पंजीयन आप मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने पंजीकरण को कर सकते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से भी। लेकिन इस पंजीकरण के हो जाने के बाद आपको जो आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है उसको आप लोग किस प्रकार से यूज करेंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे तो इसमें हम लोग न्यू टैब पर सर्च करेंगे। इसमें आपके सामने गूगल खुल जाता है। गूगल खुल जाते ही आपको अभी कुछ सर्च नहीं करना है। इससे पहले आपको देख रहे हैं आप कॉर्नर में ऊपर राइट साइड थ्री डॉट्स के निशान बन के आ रहे हैं। इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आप सबसे नीचे देख रहे हैं डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है। डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पर आप देख रहे हैं कॉर्नर में एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, इसमें टिक लगा देनी है। जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो है आपका मोबाइल एक डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर के जैसे कार्य करेगा। तभी आपको गूगल में सर्च इंजन पर सर्च करना है सेवा योजन। जैसे ही आप गूगल पर सेवा योजन टाइप करते हैं और सर्च कर देना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन एक कंप्यूटर के जैसे ओपन हो चुकी है। इसको हम जूम करेंगे। जूम करते ही आप देख रहे हैं सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने लिखकर आ रहा है रोजगार संगम। रोजगार संगम इस पहले वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ समय का टाइम लगेगा, 2-4 सेकंड। इसके बाद यह साइट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने जैसे कि पूरा डेस्कटॉप टाइप में खुल गई है ये स्क्रीन, आप देख सकते हैं। इसमें आपकी सेवा योजन पोर्टल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी। देखेंगे हम इसमें क्या क्या है। अभी ट्रेंडिंग में आप सभी लोग जानते हैं अग्निवीर योजना चल रही है जिसमें जल सेना, वायुसेना, थल सेना तीनों के बारे में वैकेंसी निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। और अभी फिलहाल में दो जॉब्स उसने निकाली भी हैं। अभी इंडियन आर्मी की भी अग्निवीर की योजना आई है और इसके साथ एयरफोर्स अग्निवीर की योजना भी आई है। इसमें आप लोग अपना काम फिर करके इसमें इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद आप देख रहे हैं जो आपके सामने इस वॉलपेपर टाइप पर खुल गया है जो लेटेस्ट जानकारियां रहती हैं। सरकार को जो भी नोटिस इंपोर्टेंटली सबको समझाना पड़ता है तो वो अपनी सारी सरकारी वेबसाइट पर नोटिस डाल देता है। तो इस प्रकार से नोटिस का पेज बनकर आ रहा है ऐड के रूप में। हम इसको जूम करेंगे, देख रहे हैं राइट साइड पर कॉर्नर पर एक निशान बन के आ रहा है। इसके क्रॉस के निशान पर टिक कर देंगे जिससे है गायब हो जाएगा। फिर हम जूम आउट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं आपके सामने सेवा योजन पोर्टल का पूरा वेबसाइट खुल गया है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब्स सीकर्स, आउटसोर्सिंग एंड प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड रोजगार मेला। आप सभी लोगों को जानकारी दे दूँ मैं कि इस सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने से आपको सरकार आपके लिए जितनी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, आउटसोर्सिंग यानी कि संपदा जॉब्स और रोजगार मेला जितनी भी प्रकार की जॉब्स निकालती है। तो क्या होता है, जब आप इस वेबसाइट पर अपना रोजगार पंजीकरण करा लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ही आपने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद आपको एक प्रिंटआउट प्राप्त होगा जिसमें आपकी पंजीयन संख्या लिखी होगी, आपकी डिटेल्स लिखी होगी, आपकी आईडी लिखी होती है। लास्ट में आपको प्रिंटआउट के पीछे आप जहाँ से आप ऑनलाइन कराते हैं, जहाँ से आप अपना पंजीकरण करते हैं, तो उस टाइम पर आपको एक आईडी मिलती है और एक पासवर्ड मिलता है। आईडी में आपके नाम का पहला अक्षर कैपिटल रहता है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल रहते हैं और लास्ट में न्यूमेरिकल वर्ड गणित के वर्ड होते हैं। और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। और कुछ पंचुएशन कीज़ के वर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने @ यहाँ पे ऐड किया हुआ है, बाकी फिर इसके बाद न्यूमेरिकल वर्ड इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आपका आईडी पासवर्ड जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ से आपको प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बाद इस आईडी और पासवर्ड का यूज कैसे करना है हम देखेंगे वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने, जैसे ही हमने ये पोर्टल लॉगिन किया है इसमें आपके सामने चार ऑप्शन बन के आ रहे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन बनकर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं नवीनतम सूचनाएं, आपको नवीनतम सूचनाएं देखने को मिल रही है। सरकार जितनी भी ट्रेंडिंग जॉब्स निकालती है जिनमें उन्हें इंपोर्टेंटली बहुत अधिक रूप में और ज़रूरी रूप में उनको वर्कर्स की आवश्यकता है तो वो नीचे नोटिस डाल देते हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के इन पर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखेंगे हम वीडियो में कि इन पर आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है जॉब सीकर्स, आउटसोर्सिंग जॉब, किसी भी चार में से क्लिक
किसी भी ऑप्शन पर चार में से क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने अभी जॉब सीकर्स पर क्लिक किया है, इन चारों में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर पहुंचते हैं तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही पेज ओपन होकर आ जाएगा आप लोग जूम करेंगे। जूम करने पर आप यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालेंगे, देख रहे हैं आपको अपनी आईडी डालनी है। यहाँ पर मैंने एक आईडी बना रखी है, मैं इसको हाइड करके रखूँगा और आपके सामने लिख कर दिखाऊँगा, आप अपनी आईडी डालकर इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी डाली है, यहाँ पर आईडी डाल दी है, मैं पासवर्ड डालूँगा। मैंने देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड भर दिया है। इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, जो गणित के वर्ड दिख रहे हैं, उनको मैं नॉर्मली जो कुछ उसमें दिख रहा है वो टाइप कर दूंगा। यहाँ पर दिख रहा है 8892, मैंने 8892 टाइप कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं मैंने अपना डाटा फिल कर दिया है, कैप्चा ही भर दिया है। आप देख रहे हैं आप कॉर्नर पर ये सबमिट का निशान बनकर आ रहा है, हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। थोड़ा टाइम लेती है, वेबसाइट पर ज़्यादा क्राउड होने के कारण थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। बेटर रूप से आपको इस वेबसाइट को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन समय रहता है रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में, जैसे वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है। इसलिए फ्रेंड्स मुझे भी ये रात को ही वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल, यहाँ पर मैंने अपनी आईडी को हाइड करके रखा है, बाकी सारे ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन सेवा योजन प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है जॉब सीकर्स, ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है जॉब सीकर्स डैशबोर्ड प्रोफाइल प्रविष्ट नौकरियों के लिए आवेदन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसमें लिखा है यहाँ पे नौकरियों के लिए आवेदन करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखा है नियत साक्षात्कार, तीसरे नंबर पर समस्त नौकरियाँ, इसमें लिखा है प्रोफाइल विजिट। तो सबसे पहले ऑप्शन में नौकरियों के लिए आवेदन करें, तो हम देख सकते हैं नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए हम विवरण देखेंगे। इसमें विवरण लिखा हुआ है, विवरण देखें, तो विवरण देखने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर समस्त नौकरियों पर क्लिक करके भी नौकरियों को देख सकते हैं। हमें देखनी है समस्त नौकरियाँ, जितनी प्रकार की गवर्नमेंट ने वैकेंसियाँ निकाली हैं, संपदा पे या आउटसोर्सिंग पे या प्राइवेट से या गवर्नमेंट से जो भी निकाली, हम उनको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर समस्त नौकरियों के विवरण देखने पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको विवरण देखने पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आ गई है, ये विंडो कुछ इस प्रकार रहेगी। जैसे ही हमने ओपन किया है तो हमारे सामने एक पेज बनकर आ गया है, ये पेज कुछ इस टाइप का रहेगा, जिसमें आपके सामने ऑप्शन रहेगा यहाँ पे रिक्त का प्रकार, समस्त आवेदित, ठीक है। और नीचे आप इसे जूम आउट करेंगे तो सारी डिटेल्स रहेगी। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रोजगार मिला नौकरियाँ। जैसा कि आप लोगों के मोबाइल में SMS आते हैं या आपको बताया जाता है कि किसी विशेष जगह पर रोजगार मेला आयोजित है, जिसमें आप अपना रिज्यूम ले जाकर प्राइवेट जॉब्स पा सकते हैं। कंपनी आपको सैलरी बताएंगी, यदि आपको सैलरी पसंद आती है तो आप कंपनियों के साथ चले जाइए, यदि आपको नहीं करनी है तो आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं रोजगार मेला पर, जैसे ही हमने क्लिक किया है तो रोजगार मेला में ये काफ़ी सारी प्राइवेट जॉब रहती हैं, जिनमें बाकायदा आपके सामने सैलरी लिखी होती है, वेतन प्रति माह लिखा होता है, जॉब्स की डिटेल, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, इसमें कौन सी चाहिए, हाई स्कूल चाहिए है, ठीक है। इसमें ये कंपनी का नाम क्या है, इसमें कंपनी का नाम डला रहता है, ठीक है। इसमें कंपनी का नाम डला रहता है, कंपनी का नाम डले रहने के साथ साथ कंपनी का नाम डला रहता है और आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। इसके साथ ही इसमें बगल पर जब इसको जूम आउट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर रिक्त का विवरण लिखा हुआ है, यानी कि इस जॉब से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को देखने के लिए रिक्त विवरण पर क्लिक कर दें। और यदि इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई 2022 है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे रोजगार मेला की, हम आपको पूरा आवेदन करके दिखाएंगे कि इस प्रकार से आवेदन करना है। ध्यान रखें कि इस रोजगार पोर्टल पर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद किसी भी जॉब पर आवेदन करने से आपको आपकी आवेदन की रिक्वेस्ट उस जॉब के उस कंपनी के पास पहुंच जाएगी। जब वो आपका रिज्यूम प्राप्त कर लेंगे या आपका आवेदन स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जिसका मैसेज आपकी जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज आएगा, जिसके बाद आपको उस डिटेल पर उस मैसेज पर क्लिक करके उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर दिया रहेगा, एड्रेस दिया रहेगा, उस पर आपको बात करनी है, उस एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद आपको वहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा कि आपको किस लोकेशन पर कहाँ जॉब मिलनी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपको सीधे जॉब मिल जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे रोजगार मेला नौकरियों की, अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स ने ज़्यादातर तो गवर्नमेंट अपनी सारी सरकारी नौकरियाँ sarkarirezult.com पर निकालती है, लेकिन सेवा योजन के थ्रू भी काफ़ी सारी वैकेंसी निकालती है। तो हम यहाँ से देखेंगे सरकारी नौकरियों पर क्लिक करके, जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको जॉब मिल जानी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है सरकारी नौकरियों के नीचे ये लिख के आ रहा है नो रेफर फाउंड, यानी कि अभी सेवा योजन के तहत इन लोगों ने किसी भी प्रकार की सरकारी जॉब्स को नहीं डाला है, केवल रोजगार मिला नौकरियों को डाला है। अब देखेंगे हम प्राइवेट जॉब्स जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब हम देखेंगे आउटसोर्सिंग जॉब्स,
ये आउटसोर्सिंग जॉब्स यानी कि संपदा वाली जॉब्स होती हैं। संपदा जॉब्स भी काफ़ी महत्व रखता है। इसमें हम देखेंगे संपदा जॉब्स के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है। संपदा जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे आउटसोर्सिंग जॉब्स लिखा हुआ है। आउटसोर्सिंग यानी कि संपदा जॉब्स हम देखेंगे इसमें आपको उसी प्रकार से जिस प्रकार से डिटेल्स आपको पहले बताई गई थी कि किस की कंपनी का इसमें नाम डला है। एडवेंट इन्फोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट चाहिए है। विभाग कौन सा है, किस विभाग में आपको जॉब मिलेगी, बेसिक शिक्षा विभाग में आपको जॉब मिलेगी। किस लोकेशन पर आपको जॉब मिलेगी, सोनभद्र इस लोकेशन पर आपको काम करने को मिलेगा। इसमें वेतन भी प्रति माह आपको बता रहा है 11,020 रुपये आपकी प्रति माह की वेतन है। अभी तक प्राप्त आवेदनों की संख्या अभी इसमें 0 आवेदन किए गए हैं। ध्यान रखिए जितने ही आवेदन कम रहेंगे जिस जॉब पर उसमें ज़्यादा जल्दी जॉब मिलने का चांस होता है। तो आप इसे रोज़ लॉगिन करते रहें, इसमें आवेदन करते रहें। आवेदन करने का कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। आप निःशुल्क आवेदन पर क्लिक करते ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर ऑपरेटर 11,020 सैलरी के लिए इसमें आवेदन करने वाला हूँ। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 0 है। इस पद के लिए इतने समय 18 घंटे 15 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। इसमें समय भी दिया गया है, इस जॉब के लिए इतने समय बाद यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आवेदन का ऑप्शन आ जाएगा। जिस प्रकार से इस जॉब में लिखा हुआ है ये जॉब कौन सी है देखेंगे, जी सिक्योरिटी सर्विस, इसमें 4th क्लास की पोस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, सिक्योरिटी की सर्विस, इसमें सिक्योरिटी की सर्विस कहाँ करनी पड़ेगी आपको, गोरखपुर में करनी पड़ेगी। चिकित्सा विभाग के अंडर में रहेंगे आप, ग्रेजुएट होने चाहिए। 11,150 रुपये सैलरी है। कुल आवेदन 866 से प्राप्त हो चुके हैं। रिक्त का विवरण रिक्त पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्लिक करते हैं, इसमें देखते हैं, हमने ये क्लिक किया तो थोड़ी देर बाद ये ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने एक नया पेज जिसमें आपको सारी डिटेल्स इस जॉब की मिल जाएंगी। ये देखिए आपके सामने पेज बनकर आ गया है, बता रहा है कि संस्था और कंपनी का नाम जी सिक्योरिटी सर्विस है। पदनाम आपकी पोस्ट कौन सी है, 4th क्लास में रहेंगे आप। विभाग का नाम चिकित्सा विभाग मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022। ग्रेजुएट होना चाहिए, अनिवार्य योग्यता में आपका। ठीक है, इसमें आप और नीचे देख सकते हैं रिक्त की प्रकृति, थर्ड पार्टी, इसमें संपूर्ण जानकारी, आपकी वेतन, आपको सब कुछ मिल जाता है। कार्यस्थल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी आपको जॉब मिल सकती है, जनपद में भी मिल सकती है, या सोनभद्र में भी मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको पूरा पीडीएफ का पीडीएफ मिल जाएगा देखने के लिए। अब आप देख रहे हैं सबसे नीचे रिक्त विवरण पर क्लिक करते ही आप नीचे आवेदन करने पर क्लिक ऑप्शन आ रहा है, या तो आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं या बाहर आवेदन करके भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं तो यहीं से आवेदन करने वाला हूँ, तो मैंने आवेदन पर ये क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो ऊपर आपके सामने एक छोटा सा मैसेज बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कुछ इस प्रकार से कि आपने यह जॉब को आवेदन कर दिया है। 10 सेकंड लगते हैं इसको ओपन होने में। कुछ इस टाइप का मैसेज आपके लिए आ गया है बनकर, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, कि आपने इस एप्लीकेशन को सेव कर दिया है जो आपने रिक्वेस्ट डाली है। इस प्रकार से आपका आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। आवेदन कर देने के बाद हम फिर से जाएंगे ऊपर की ओर और ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर डैशबोर्ड लिखा है, डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हम अपनी आईडी पर पहुंच जाएंगे जो हमारी आईडी थी। तो जैसे कि मैंने इस जॉब के लिए पहले भी काफ़ी बार आवेदन किया है अपनी और आईडियों से, और मैंने अपनी ये आईडी ओपन की है आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैंने टोटल मिला के 8 जॉब्स के लिए आवेदन कर दिया है, नौकरियों के लिए आवेदन करें। मैंने किन किन 8 जॉब्स के लिए आवेदन किया है मैं उनका विवरण देख सकता हूँ। तो मैंने विवरण देखने पर क्लिक कर दिया है, जिस जिस जॉब्स में मैंने आवेदन किया है उनका विवरण यहाँ पर मिल गया है मुझे, मैं देख सकता हूँ उसको। हम देख सकते हैं कि मैंने इस जॉब पर आवेदन पर क्लिक किया था, जीत सिक्योरिटी 4 चिकित्सा क्षेत्र में 4th क्लास में। तो अभी इसमें रिक्त विवरण आ रहा है, लिखकर आवेदन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी आवेदन कर दिया है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे। अब देखेंगे कि हमने आवेदन तो कर दिया है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आवेदन हो चुका है। तो आपको बाहर यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल क्वांटिटी लिखकर आ जाएगी डैशबोर्ड में कि आपने इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे कि मैंने 8 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। बगल में आप देखेंगे नियत साक्षात्कार कि आपको इंटरव्यू के लिए इन 8 अप्लाई जो आपने 8 प्रकार के जॉब्स को अप्लाई किया है उनमें से आपको किन किन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अभी फिलहाल मुझे किसी जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि इस वेबसाइट पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्राउड यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इस वेबसाइट में हज़ारों लोग आवेदन करते हैं। प्रत्येक विभाग अपनी कुछ सीट्स को देखते हुए जिन व्यक्ति पद खाली हुए हैं उन व्यक्ति पदों की संख्या दर्शाती नहीं है। उनको जितने उनको मिनिमम 50-100 वर्कर्स चाहिए होते हैं लेकिन आवेदन कर दिए जाते हैं 4,000 से 5,000। तो वो लोग जिन लोगों ने पहले से जॉब के लिए आवेदन कर दिया है वह कंपनी वाले या वह विभाग उन लोगों के लिए सबसे पहले साक्षात्कार के लिए मैसेज भेज देते हैं और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। आप लोग जितना भी लेट किसी जॉब के लिए आवेदन करेंगे
इतना ही लेट आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए रोज़ इस पोर्टल को चेक करते रहें और इसमें जितनी वैकेंसियाँ निकलती रहें उसमें सबसे पहले आप उनका ध्यान रखें कितनी टाइम की ओपन होने वाली है। जैसे ही वो ओपन हो जाती है उसमें सबसे पहले आवेदन करते हैं ताकि सबसे पहले आपको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस प्रकार से आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सभी प्रकार से आपको बताया है कि आप लोग किस प्रकार से अपनी आईडी और पासवर्ड का यूज करके अपनी आईडी को सेवा विजन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं और ओपन कर देने के बाद किस प्रकार से आप किसी जॉब्स के लिए और सोर्सिंग जॉब्स के लिए संपदा जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं निःशुल्क और किस प्रकार से आप इसमें जॉब पा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि गवर्नमेंट विभागों में जितने भी प्रकार की सरकारी जॉब्स निकलती हैं, प्राइवेट जॉब्स निकलती हैं या संपदा पर जॉब्स निकलती हैं उनके लिए किस प्रकार से आवेदन करना होता है और वह पोस्ट उनको किस प्रकार से मिल सकती है। तो सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आपका इस वीडियो पर सही प्रकार से काम हो जाता है, आपने आवेदन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में जहाँ पर एक लोगो बन के आ रहा है सबसे ऊपर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें लिखा है निकास, निकास यानी कि लॉग आउट। आप इसको लॉग आउट कर दें यानी कि वेबसाइट के पोर्टल में जो आपने आईडी खोली थी वहाँ से आप आईडी को ऑफ कर दें और बाहर निकल आएँ। आईडी अपनी पर्सनल आईडी को पोर्टल पर नहीं खुले रहने देना चाहिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन नेट पर ओपन न रहे, इसलिए प्रत्येक आईडी को ध्यान से लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू आर लिविंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ विद माइंड ब्लोइंग थिंकिंग्स। थैंक यू।